महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला दुराचार की सजा मृत्यु दंड निश्चित करो। डॉक्टर नवीन रोहिल्ला ने सैकड़ों महिला पुरुष के साथ शुक्रवार देर शाम मणिपुर में हो रही हिंसा तथा बेटियों के साथ हो रहे दुराचार के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का शुभारंभ सती से किया गया और चरण सिंह पर इसका समापन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए डॉक्टर नवीन रोहिल्ला ने बताया कि एक ओर तो हमारे देश में बेटियों को दुर्गावत देवी का दर्जा दिया जाता है, दूसरी ओर उन्हें इंसान भी नहीं समझा जाता, उन्हें स्वाभिमान के साथ जीने का भी हक नहीं है। रोहिल्ला जी, ये बताइए, जो आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, किस कारण निकाल रही हैं, क्या कारण? ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है मणिपुर में जो महिलाओं के साथ और जो वहाँ पे जो हिंसा आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, उसके विरोध में ये निकाला जा रहा है। एक तरफ तो हमारा देश में जो है महिलाओं को दुर्गा का देवी का रूप बताया गया है, दूसरी तरफ उनके साथ ये हवानियत की जाती है कि उनको इंसान तक भी नहीं समझा जाता। तो इस तरीके से बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या विश्व गुरु की होने की यही तस्वीर है? अगर यही तस्वीर है विश्व गुरु की, तो हमारे आगे आने वाले भारत की तकदीर क्या होगी, ये सोचने का विषय है कि हमारे समाज जो है इस वक्त किस ओर जो है हमारा समाज जा रहा है। सीएम से अगर बात की गई, जो सीएम के बयान सामने आ रहे हैं मणिपुर के, उस वो कहते हैं कि ऐसी तो हजारों ही घटनाएं जो है मणिपुर में रोज़ हो रही हैं। अगर ऐसी ही घटनाएं रोज़ मणिपुर में हो रही हैं तो समझ में नहीं आता प्रशासन क्या कर रहा है, वो अब तक क्यों सो रहे हैं। जो मणिपुर हमारा जल रहा है और हमारे देश का चौकीदार जो है विदेशों में घूम रहा है, वो सो रहा है। तो ये इस तरीके से ही देश को जो है आगे तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे क्या? इसी को तरक्की करना कहते हैं? इसी को विकास कहते हैं क्या देश का? हमारा, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है, अगर हमारी बेटियों के साथ दुराचार की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए कानून बनाया जाए और मृत्यु दंड का उनको प्रावधान किया जाए। जो सीएम है मणिपुर के, उनको जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि जहाँ पे जो है वहाँ पे रहने वाले नागरिक जहाँ पे सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, उनको जो है तुरंत अपने पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स, एक ऐसा नाम जहाँ मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण, जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आर के ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होलीगेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।